हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। ऑल यूर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ज्वाइंट वेंचर में आज हम जो सम करेंगे वो आपके लिए आगे कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, पर फिर भी ये सम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें से आज पहला सम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 21। पेज नंबर 312 पे पहुंचो, एग्जाम्पल नंबर 21 निकालो, ए और बी। यहाँ पर पेज नंबर लिख देता हूँ मैं 312, तो आपके पास टेक्स्ट बुक जो है उसमें पेज नंबर 312 पे पहुंचा और नाम है ए एंड बी। फिर से सब में अंडरराइटिंग वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी पार्टनर किसी कंपनी के शेयर्स को अंडरराइट्स कर रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आगे ऐसे एक या दो सम हमने किए हुए हैं। तो अंडरराइटर्स बनने यानी कि कोई कंपनी है जो अपने शेयर इश्यू कर रही है, पर अगर पब्लिक उस कंपनी के शेयर ना खरीदे तो वो शेयर कौन खरीदेगा? पार्टनर्स खरीदेंगे। तो पार्टनर किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं, ऐसा सम आपको सम नंबर 21 है। तो ये सम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 में आ चुका है। गुजरात यूनिवर्सिटी का सम है, तो इसका मतलब आपको अच्छे से करना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करें एग्जांपल नंबर 21। ए ऑफ अहमदाबाद एंटर इनटू जॉइंट वेंचर विद बी बॉम्बे टू अंडरटेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 30% प्रीमियम बाय द फॉर्च्यून कंपनी लिमिटेड and to pay the all expenses up to share allotment। भाई A अहमदाबाद का है, वो joint venture B के साथ joint venture में enter हो रहा है। B from Bombay, A for अहमदाबाद, B for Bombay, पर city का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो दो partner है A और B, और वो 5000 shares जो 10 रुपये के price है, जिसके ऊपर 30% premium है। भाई company का नाम है Fortune Company, तो फॉर्च्यून कंपनी अपने 5000 शेयर्स 10 रुपए प्राइस से और विद प्रीमियम, इसमें बोला है 30% प्रीमियम। 30% प्रीमियम का मतलब क्या होता है? 10 का 30% निकालो, यानी 3 रुपए प्रीमियम के साथ वो लोग इश्यू कर रहे हैं। ये 3 रुपए प्रीमियम, तो 13 रुपए प्राइस से वो लोग शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो भाई कोई कंपनी है फॉर्च्यून नाम की कंपनी, जो अपने 5000 शेयर बाजार में इशू करी है, मार्केट में इशू करी है, और उनके शेयर की प्राइस किस कैसे बनी हुई है? 10+3 13 रुपए से वो लोग शेयर इशू कर रहे हैं। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको समझाया। फिर उन्होंने बोला है देयर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2000 इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड बैलेंस प्रॉफिट इक्वली। भाई ये फर्स्ट पैराग्राफ की तीसरी लाइन, फॉर्च्यून कंपनी अंडरराइटर को बदले में 500 शेयर देगी। कितने शेयर देगी? 500। अब सीधी सी बात है, हम ए और बी है, हमने जो कंपनी के शेयर को अंडरराइट किया, यानी लोगों ना खरीदे तो हम खरीदेंगे, तो बदले में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अंडरराइटिंग कमीशन। क्या मिलेगा? अंडरराइटिंग कमीशन। ये वर्ड आप अब वाकिफ होनी चाहिए, अंडरराइटिंग कमीशन, ये हमें रिसीव होगा, समझ रहे हो? और ये आपका वन ऑफ द चैप्टर रहने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, पर ये अभी नहीं आपको वो समझना है। अंडरराइटिंग कमीशन हमें रिसीव होगा, और कितने शेयर रिसीव होंगे? 500 में, 5000 में से 500 शेयर हमें रिसीव होंगे, राइट? हम पार्टनर है ए और बी, हमें वो कंपनी 500 शेयर दे देगी। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसमें से एक भी सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये सिर्फ हमें जानकारी दिया है। तो ट्रांजेक्शन है ना सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में, उससे पहले देखो लास्ट आंसर हमें चेक कर लेते हैं कि हमें आंसर क्या मांगा है। उन्होंने बोला है प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड ए अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी एंड बी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। हमें ऐसा बोला है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड ए का अकाउंट बनाओ, किसकी बुक में?
बी की बुक में यानी और फिर बी का अकाउंट ए की बुक में ऐसा बोला है, पर हम कोई एक पार्टनर के प्रिपेयर करेंगे, दोनों पार्टनर की बुक में कोई और सम है हम दोबारा समझ लेंगे। अभी के लिए हम किसी एक पार्टनर यानी हम बन जाते हैं बी इन द बुक्स ऑफ बी। चलिए हम बन जाएंगे बी और बी की बुक में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड दूसरा पार्टनर। बी के लिए दूसरा पार्टनर कौन होगा? ए अकाउंट, समझ रहे हो? एज अकाउंट ऐसा लिख लेते हैं, एज अकाउंट, राइट, ए का अकाउंट। चलिए दो अकाउंट बन गए बी की बुक में, राइट। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे। आप कौन हो? आप और मैं बी है। हम कौन है? बी। हमारी बुक में हमारा नाम आना चाहिए, नहीं मतलब बी का नाम कहीं नहीं आना चाहिए, पर कोई ट्रांजेक्शन अगर ए करे तो ए का नाम आएगा। ये फर्स्ट मेथड का दो रूल है, बी की बुक में जिसकी बुक में लिख रहे हो उसकी बुक में उसका नाम नहीं। चलिए स्टार्ट करें ट्रांजेक्शन। सेकंड पैराग्राफ में आपकी नजर होनी चाहिए। पहला ट्रांजेक्शन, ए इनकर्ड 1500 फॉर स्टैम्प रजिस्ट्रेशन एडवर्टाइजमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ए ने कुल मिला के 1500 का खर्चा किया। खर्चा किसने किया? हम कौन है? अगर खर्चा बी करे या ए करे तो एंट्री में एक्सपेंसेस आप कहां लेके जाते हो? तो अभी ए ने खर्चे किए हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, पैसे किसके पास से गए? ए के पास। तो 2A अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 2A अकाउंट, पैसे ए के पास से गए तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आ रहा है 2A अकाउंट और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, सीधा सिर्फ एक्सपेंसेस लिख दो, उन्होंने बहुत सारे खर्चे किए। दूसरी एंट्री बाय जेबी अकाउंट, कितने खर्चे किए? 1500 के, ये लिखा मैंने 1500। फर्स्ट ट्रांजेक्शन खत्म। सेकंड ट्रांजेक्शन में दिया बी इनकर्ड 2000 लीगल चार्जेस और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब खर्चे किसने किए? बी। ये मेरी तरफ इशारा है यानी कि बी ने खर्चे किए, तो अब बी खर्चे करे तो जेबी अकाउंट डेबिट, हम खुद बी है, हमारे पास से क्या गया? कैश। तो हमारी बुक में हमारा नाम नहीं, जेबी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यानी जेबी अकाउंट डेबिट साइड कैश अकाउंट। देखो हमारी बुक में हमारा नाम नहीं आया, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस और कितना खर्चा किया है हमने, और वो खर्चा है 2000, क्लियर। तो इस तरीके से पहले दो एंट्री देखो खत्म हो गई दोनों खर्चे। चले आगे बढ़े। फिर उसके बाद अच्छा पॉइंट आ रहा है, बी सेंड हिज एक्सेप्टेंस फॉर 5000 टू ए, ए व्हिच वाज डिस्काउंटिंग बाय ए इन द बैंक फॉर 4900। बी एक्सेप्टेड बिल्स, हम कौन है? बी है। तो जब बी बिल्स एक्सेप्ट करेगा, एंट्री में आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये बिल्स वाले एंट्री ऑलवेज डिफिकल्ट होती है, तो ये मैंने सबसे पहले एंट्री करवाऊंगा आपको। फर्स्ट नंबर बी एक्सेप्टेड बिल्स, हम बी कौन है? हम खुद है। हम बिल एक्सेप्ट करें और सामने वाले को दे तो लेके कौन जा रहा है? ए लेके जा रहा है, ए अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से बिल्स जाएगी, पर हमारे लिए कौन सी बिल्स होगी? ए के लिए बिल्स रिसीवेबल है, हमारे लिए यानी कि बी के लिए ये बिल्स पेएबल है। क्या है? बिल्स पेएबल। आप कौन पार्टनर हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हम ए होते, हम कौन होते? ए होते, तो एंट्री इस तरीके से होती, हमारे पास बीआर आएगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू किसने लिया होगा? बीआर, बी ने लिया होगा, तो टू बी अकाउंट। ये किसकी बुक में एंट्री होती? इन द बुक्स ऑफ ए, ए की बुक में ये एंट्री होती बच्चों। पर अभी हम कौन है? बी है, तो बी की बुक में कौन सी एंट्री होगी? ये वाली एंट्री, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितने की बिल्स है? 5000 की बिल्स है, ये लिखा मैंने वैल्यू 5000। अब इसकी पोस्टिंग कर ले, हमने बिल्स पेएबल अकाउंट बनाया नहीं है, तो ए अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू बिल्स पेएबल अकाउंट। चलिए कितनी बिल्स पेएबल है? 5000, ये लिखा 5000, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अभी हम ए की बुक में अकाउंट कर नहीं रहे। दूसरा ट्रांजेक्शन, फिर ए ने जो है ए डिस्काउंटेड बिल्स इनटू बैंक, भाई जो ए है वो बैंक में डिस्काउंटिंग करवाएगा, ए ने डिस्काउंटिंग करवाया, पैसे किसके पास होंगे? ए
के पास, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने ए को 5000 उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए। अब ए जब बिल डिस्काउंटिंग करवाएगा ना, उसमें बैंक उसको कम पैसे देगी, बैंक उसको पूरे पैसे नहीं देगी। देखो यहाँ पे 5000 की बिल्स है, उसको कितने पैसे मिले? उसको पैसे मिले 4900। तो डिफरेंस कितना आया? 100। ये 100 रुपीस क्या है? डिस्काउंट है। ये क्या है? डिस्काउंट। बैंक पूरे पैसे देगी नहीं, ये 100 रुपए डिस्काउंट की वैल्यू है। तो अब हम दिए ना, तो हमारे लिए सिर्फ ये डिस्काउंटिंग की एंट्री होगी। आगे एक दो सब में हम ये एंट्री कर चुके हैं। एक सब आपको याद हो तो आगे हमने किया था पंकज एंड दिनेश वाला सब, उसमें सिर्फ डिस्काउंटिंग की एंट्री किया था। तो डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या होगी? जेबी अकाउंट डेबिट। कहां जाएगा डिस्काउंट? जेबी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 100। क्योंकि पहले हमने ए को 5000 उधार किया था, डेबिट किया था, अब ए के खाते में ये 100 रुपए वापस डालेंगे। क्यों? हमने उसके पास से 5000 उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए, तो अब 100 रुपए उसको कम मिल रहे हैं, तो कम मिल रहे तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा ना। जब हम दी है तब सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री होगी। कैश उसके पास गया, अब वो जाने बैंक ने कम पैसे दिए। जेबी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ये बिजनेस का 100 रुपए नुकसान है। डिस्काउंट देखो, अब इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? जेबी अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज ए अकाउंट, और ब्रैकेट में डिस्काउंट क्या लिखेंगे? डिस्काउंट 100 ऐसा करके लिखेंगे। और दूसरी एंट्री जाएगी दैट इज ए अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेबी अकाउंट और वैल्यू 100। इस तरीके से ये दोनों एंट्री हो गई। बिल्स की एंट्री ऑलवेज फर्स्ट मंथ में आपको परेशान कर सके, ऐसी एंट्री है। चलिए, तो बहुत ही अच्छा समय ये कुल मिला के, अभी तो बहुत सारे पॉइंट बाकी है। चलिए, सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, अब बात आती है थर्ड डेंजरस पैराग्राफ की। तीसरा पैराग्राफ, प्रॉस्पेक्टर वाज इश्यूड, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 3800 शेयर्स, ए टूक ओवर द रिमेनिंग शेयर्स ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट। भाई प्रॉस्पेक्टर, ये प्रॉस्पेक्टर का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेक्टर, प्रॉस्पेक्टर्स का मतलब होता है विज्ञापन पत्र। विज्ञापन पत्र गुजराती में नहीं लिखता हूँ, प्रॉस्पेक्टर दैट मीन्स विज्ञापन पत्र, जाहिर जनता ने आमंत्रण पत्र। इनविटेशन टू परचेज अ शेयर्स ऑफ कंपनी, किसी कंपनी अगर इश्यू हो रही है, अगर वो शेयर अपने बाहर कर रही है, तो वो लोग प्रॉस्पेक्टर इश्यू करेंगे, लोगों को इनविटेशन देंगे कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदो। फॉर्च्यून कंपनी ने ऐसा काम किया था और लोगों को बताया था कि हमारे शेयर खरीदो। एप्लीकेशन उनको कितने रिसीव हुई? 38 शेयर्स की। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? ओनली 38 शेयर्स की उनको एप्लीकेशन रिसीव हुई। उन्होंने इश्यूड कितने किए थे? इश्यू किए थे 5000, जिसमें से एप्लीकेशन मिली पब्लिक की 3800, तो बाकी कितने रहे? आई थिंक 1200 रिमेनिंग शेयर्स है जो किसी ने नहीं खरीदे। तो ये जो 1200 शेयर्स है ये अंडरराइटर्स खरीद लेंगे। क्या लिखा है देखो, A took over the remaining shares of joint venture and paid same in the full. A ने ये शेयर बिजनेस के लिए खरीद लिए, तो पार्टनर बिजनेस के लिए शेयर खरीदेगा। एंट्री क्या होगी? बिजनेस में शेयर्स आ रहे, बिजनेस में शेयर्स आएंगे, जीवी अकाउंट डेबिट। व्हेन, ऐसा हेडिंग भी दे देता हूँ थर्ड एंट्री, व्हेन A took shares for business, जब ए बिजनेस के लिए शेयर्स खरीद रहा है, जेबी अकाउंट डेबिट टू, पैसे किसने दिए? ए ने दिए, तो टू ए अकाउंट। और पैसे ढूंढने हो तो 1200 शेयर, एक शेयर की 13 रुपए प्राइस थी, कैसे? 10+3, याद है आपको मैंने आगे अभी 13 रुपए समझाए थे, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए प्रीमियम, तो 13 रुपए से 1200 शेयर वो लोग खरीदेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स खरीदेंगे 15,600। चलिए, अब इसकी पोस्टिंग कर ले। सबसे पहले जेबी अकाउंट डेबिट साइड, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ए अकाउंट, और ब्रैकेट में फिर से दिखा देता हूँ 1200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 13 रुपए प्राइस, और टोटल 15,600। दूसरी एंट्री, ए अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेबी अकाउंट 15,600। इस तरीके से ये नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ गए बिजनेस में। चलिए आगे बढ़े, दे रिसीव द इक्विटी शेयर एज एन अंडरराइटिंग कमीशन। पार्टनर्स को अंडरराइटिंग
मिल गया, इक्विटी शेयर्स मिल गए, तो अब इसका क्या होगा? एंट्री नंबर 4, देखो मैं जगह करने के लिए ये दोनों रफ कर रहा हूँ, जो बिल्स वाली एंट्री थी वो आप अपने हिसाब से लिख लोगे, मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ। थर्ड नंबर एंट्री के बाद एंट्री नंबर 4, यस दे रिसीव्ड इक्विटी शेयर एज अंडरराइटिंग कमीशन, उनको जो अंडरराइटिंग कमीशन में शेयर्स मिलने वाले थे वो शेयर उनको मिल गए। आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा बताया गया है कि कंपनी उनको कितने शेयर देगी, 500 शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स देगी, 500 शेयर्स, 500 शेयर उनको प्रोवाइड करेगी। अब ये 500 शेयर पार्टनर को मिले भाई, तो इसकी जॉइंट वेंचर में कोई एंट्री नहीं होगी। ये जो कमीशन है ना अंडरराइटिंग कमीशन, उसकी नो एंट्री, एक मूवी का नाम है नो एंट्री। तो जो अंडरराइटिंग कमीशन पार्टनर को दिया जाता है उसकी जॉइंट वेंचर में कोई इफेक्ट आएगी नहीं। हाँ, पर शेयर बिजनेस में आ रहा है, जब वो बेचोगे तो उसकी इफेक्ट 100% आएगी, पर अंडरराइटिंग कमीशन रिसीव है उसकी कोई एंट्री करेंगे नहीं। तो जब अंडरराइटिंग कमीशन मिल जाता है इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, दे सोल्ड देयर एंटायर होल्डिंग ऑफ 12 rupees पर शेयर, ब्रोकरेज इज पेड 2% ऑन सेल वैल्यू, the process where received A for 700 shares and B for remaining shares, B sent the draft to A and balance amount of the due. Last में ऐसा क्या है कि partner के पास जितने number of shares आए वो share उन्होंने बेच दिए, 15 rupees के price से बेचे और 2% brokerage किया। तो brokerage का तो point difficult नहीं है, पर ऐसा क्या है कि A ने 700 share बेचे और B ने बाकी के share, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि दोनों ने कितने कितने शेयर बेचे। ये जब तक नहीं पता चलेगा तब तक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे रिमेनिंग शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो बाकी की जो रिमेनिंग शेयर्स पार्टनर ने बेचे ना, उसके लिए मैं यहाँ पे नोटिंग कर रहा हूँ, आप आराम से ये नोटिंग देख सकते हो। एंट्री नंबर 5, व्हेन पार्टनर सोल्ड शेयर्स, जब पार्टनर शेयर सोल्ड कर रहा है तो बचे कितने, हमारे पास बिजनेस में कितने शेयर्स आए थे, परचेस, बिजनेस में परचेस किए थे 1200 शेयर्स, राइट। फिर अंडरराइटर्स को अंडरराइटिंग कमीशन में कुछ शेयर्स मिले थे, कितने शेयर्स मिले थे जिसकी हमने एंट्री नहीं किया था, 500 शेयर्स उनको मिले थे, तो ये 500 शेयर्स यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। तो टोटल बिजनेस में कितने शेयर्स आए, आई थिंक 1700 शेयर्स आए, राइट। टोटल कितने शेयर्स आए बिजनेस में, 1700, 1200 हमने परचेस किया था, ये देखो 1200 हमने खरीदा था बिजनेस के लिए, और 500 शेयर उनको मिले, जिसको मिले तब एंट्री नहीं किया था, पर जब बेच रहे हो चीजें जा रही है तब उसकी एंट्री आएगी। तो ये 1700 शेयर्स उन्होंने बिजनेस के लिए खरीदे। फिर इसका बायफर्गेशन करो, इसमें से ए ने कितने बेचे और बी ने कितने बेचे, ए ने कितने बेचे थे वो बुक में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, 700, तो ये ए ने 700 बेचे, तो 700 शेयर बेचे, टोटल 1700 है, तो बी ने कितने बेचे होंगे, रिमेनिंग कितने बेचे होंगे, 1000, ये रिमेनिंग शेयर्स है जो उन्होंने आंसर नहीं दिया था। समझ में आ रहा है? तो ये नंबर ऑफ शेयर्स थे जो उन्होंने बताया हुआ है। अब जनरल एंट्री सोचो, चलो ए ने सेल किया, बी ने सेल किया, पहले ए ने सेल किया, हम बी है, हम कौन है, बी है, ए सेल करे तो एंट्री क्या होगी, ए अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए के पास पैसे है, 2GB अकाउंट, अगर बी बेचे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 2GB अकाउंट, ऐसा एंट्री कर सकते हैं, राइट। ए बेचे तो पैसे ए के पास है, हम बेचे तो कैश हमारे पास है, पर दोनों सिचुएशन में जेबी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है। चलिए वैल्यू के लिए हम जेबी अकाउंट पहले क्रेडिट साइड दोनों लिख लेते हैं, फिर हम दूसरे एंट्री देने जाएंगे, बाय ए अकाउंट, थोड़ी लाइन छोड़ के बाय कैश अकाउंट, चलिए ब्रैकेट में सेल या फिर सोल्ड, सोल्ड यहाँ पे कितने शेयर बेचे, ए ने 700 शेयर, बी ने कितने बेचे, 1000 शेयर, और मल्टीप्लाई बाय प्राइस, उन्होंने 15 रुपए बोला है, पर 15 रुपए के साथ आप ब्रैकेट में देखो
2% डिस्काउंट है, तो 15 में से 2% डिस्काउंट काटना पड़ेगा भाई, 15 में से 2% डिस्काउंट काटना पड़ेगा और वैल्यू तब आएगी आपके पास 14.7 से हम बेचेंगे, 14.7 रुपीस से हम बेचेंगे। समझ में आ रहा है? अब मल्टीप्लाई करोगे आपको सेल वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट में आएगा 10,290 और दूसरे में आएगा बाय कैश अकाउंट में, अंडरलाइन कर देता हूं तो आपको इजी लगे, 14,700। और फिर इसके बाद इसकी दूसरी एंट्री करनी है, ए अकाउंट में लेके जाना है 2GV अकाउंट 10,290। अब पता चला सेल की एंट्री कैसे हुई, क्लियर हो रहा है? तो यहां तक हमारा ये जो शेयर्स का डिफिकल्ट पॉइंट था ये कंप्लीट हो रहा है। अब एक और नया पॉइंट ऑफ अकाउंट क्लोज करोगे तब आने वाला है। चलिए अब अकाउंट बंद कर देते हैं। अकाउंट बंद करो, जीबी अकाउंट का टोटल जो होगा आपका 24,990, ये लिख रहा होगा जीबी अकाउंट का टोटल 24,990। और जियो जो यहाँ पे मिसिंग आएगा दैट इज कॉल्ड PNL अकाउंट और ब्रैकेट में प्रॉफिट ए और बी, जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो वैल्यू है 5790। कितने वैल्यू है? 5790। अब देखो सब में हाईलाइट ऑफ द पॉइंट, क्या ये मैं प्रॉफिट को रेशियो में बांट दूं? इसमें पहली बार फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ कहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ध्यान को, ये कम सम थोड़ा सा और है और ये गुजरात यूनिवर्सिटी 13 का सम है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या बताया, दे वेयर शेयर्स प्रॉफिट अप टू 2000 इन रेशियो ऑफ 3:2, रिमेनिंग प्रॉफिट और बैलेंस इज इक्वली। 2000 तक प्रॉफिट 3:2 में बांटना है, मतलब इसको सीधे 3:2 में नहीं बांटना है, इसमें से 2000 आपको 3:2 में बांटना है। तो अब इसके लिए मुझे ना डायरेक्टली नोट्स करना पड़ेगा। नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर लेते हैं हम, और उसके लिए मुझे पहला पूरा प्रॉफिट लिखना पड़ेगा 5790 और उसको दो टुकड़े करने पड़ेंगे, फर्स्ट टुकड़ा थ्रू 2000 का और दूसरा टुकड़ा उसके अलावा का, यानी 3790, राइट? ये डायरेक्ट हो सकता है। 2000 को किस रेशियो में बांटना है? 3:2 के रेशियो में। 3990 को किस रेशियो में बांटना है? इक्वली। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अंदर का देखो, कोई भी सिचुएशन ऐसी आ रही है ना, ऐसा टेबल वर्क करो, टेबल वर्क से आपका आंसर इजी बन जाता है। तो देखो 2000 को ए और बी के बीच में, बीच में बांटोगे तो यहाँ पे 3:2 के रेशियो में बांटना है, इसमें बांटोगे ए और बी को तो इक्वली बांटना है, बांटोगे तो यहाँ पे और वो आंसर आई थिंक फर्स्ट में आएगा 1200 और दूसरे में आएगा वहां पे 1895। ये आप आंसर चेक करते रहना। और मुझे अभी डायरेक्ट ए और बी का टोटल चाहिए, तो अब मैं ए और बी का टोटल करूँ, ए का टोटल 1200 प्लस 1895, तो हमें एक ए का टोटल मिलेगा 800 प्लस 1895, तो बी का टोटल मिल जाएगा और वो टोटल भी मैं लिख लेता हूँ 3095 एंड 2695। टोटल आप चेक कर लेना क्योंकि टोटल मैं अपने आप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कोई गड़बड़ हो सकती है। पर देखो पूरा जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, तो आपको भी अगर सिंपल ऐसा वर्क करोगे ना तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। अब मैं एक और बी का प्रॉफिट यहाँ पे बांट दूं, कैसे आया ये प्रॉफिट? नोट नंबर 1, कैसे पता चला ये? नोट नंबर 1 से, ठीक है? तो ये मैं प्रॉफिट दे रहा हूँ 3095 एंड 2695। आप टोटल ये चेक कर लोगे, ये टोटल यहाँ पे मैच होना चाहिए। चलो ए का प्रॉफिट ए को दे दे, ये दिया मैंने बाय जेबी अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट कितना है? 3095। अब ए का अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। आई थिंक क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है ए अकाउंट में, चेक करोगे आप ए का टोटल कितना आएगा अकाउंट का, तो 44,500 टोटल आएगा। आप टोटल चेक कर सकते हो, नहीं ये टोटल वो नहीं आएगा, 2,095 ये टोटल आएगा बच्चों, 295। और मिसिंग वैल्यू यहाँ पे जो कि जाएगा कैश अकाउंट,
और कैश अकाउंट में कितना लेके जाएंगे? अभी के हिसाब से 5005। हम आंसर चेक करें कि क्या ए के अकाउंट में ये मिसिंग है, ये प्रॉफिट है, उसके लिए आप बुक में आंसर चेक करो, मैं भी चेक कर रहा हूँ। हाँ, जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रहा है और ए को इतनी वैल्यू पे करनी है वो भी आ रहा है, तो कुल मिला के आप श्योरिटी के साथ कर सकते हो हमारा कैलकुलेशन सही है। क्लियर? तो अभी हमने बी बन के पूरा सम किया है, सिर्फ ए की बुक में ये सम पूरा समझा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए आज का दूसरा सम एग्जाम्पल नंबर 37 ले रहे हैं, जो गुजरात यूनिवर्सिटी का ही है। आगे वाला सम भी गुजरात यूनिवर्सिटी का था, ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा है, यानी एक दो साल पहले का सम है, 2018 में आ चुका है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 37 है और नाम है अल्पेश एंड जयेश। तो चलिए स्टार्ट करें सम नंबर 37। उसके लिए आपको पेज नंबर 323 पे जाना पड़ेगा। पेज नंबर 333 निकालो, सम नंबर 37। चलिए स्टार्ट करें। सम बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो इसलिए मैं ये सम करवा रहा हूँ, और यूनिवर्सिटी का है इसलिए हमें करना जरूरी था। चलिए तो सम नंबर 37 अल्पेश एंड जयेश। साथ में आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, सम नंबर 37 के साथ आपको घर पे प्रैक्टिस करना है होमवर्क में सम नंबर 16, राइट? ये सम आप ये सब के साथ होमवर्क में भी करोगे। स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर, यस, जयेश अल्पेश एंड जयेश एंटर इनटू जॉइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल स्मार्ट टीवी। वो लोग स्मार्ट टीवी बेचने के लिए जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं। फिर उसके आगे दे एग्री प्रॉफिट एंड शेयर इन रेशियो ऑफ 3:2, वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में बांट रहे हैं। अल्पेश परचेज 40 स्मार्ट टीवी एट अ प्राइस ऑफ 25 ईच। फिर सारे ट्रांजेक्शन है, हमें अभी ट्रांजेक्शन में डिटेल्स भी नहीं है, हम सबसे पहले आंसर ढूंढ लेते हैं कि उन्होंने किसकी बुक में अकाउंट मांगा है। तो लास्ट लाइन में आप आओ, You are required to prepare joint venture account and Alpesh account in the books of Jayesh. हमें Jayesh की बुक में joint venture and Alpesh का account बनाना है। तो हम कौन बन जाएंगे भाई? Jayesh। अभी temporary के लिए हम Jayesh है, तो ये मैंने लिखा in the books of Jayesh, Jayesh की बुक में joint venture account and दूसरे partner यानी कि किसका account बनेगा? Alpesh का account। तो ये हमारे दो अकाउंट बन गए और हम कौन है? हम जयेश। तो रूल क्या है? जयेश की बुक में जयेश का नाम आना चाहिए नहीं, पर अगर कोई ट्रांजेक्शन अल्पेश करेगा तो उसका नाम आएगा। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन में पहला ट्रांजेक्शन है, अल्पेश परचेज 40 स्मार्ट टीवी एट अ प्राइस ऑफ 25 ईच एंड सेंड देम टू द जयेश। किसने गुड्स परचेज किया? टीवी किसने परचेज किए? तो के भाई अल्पेश ने परचेज किए। एंट्री सोचो, जॉइंट वेंचर में अगर कोई चीज परचेज कर रहे हो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, पैसे किसने दिए? अल्पेश ने दिए, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे? ए अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? परचेज। उन्होंने टीवी परचेज किए और नंबर ऑफ टीवी कितने हैं? 25 टीवी है और एक टीवी की प्राइस कितनी है? 25,000 का एक टीवी है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा 25×25,000, आई थिंक 10 लाख आंसर आएगा। यस, 10 लाख का उन्होंने परचेज किया। दूसरी इफेक्ट क्या होगी? पैसे अल्पेश ने दिए, क्रेडिट टू गिवर, अल्पेश अकाउंट क्रेडिट साइड, जेबी अकाउंट वैल्यू 10 लाख। चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन पूरा हो गया, अब ये जनरल एंट्री आपको बाय हार्ट लर्न होगी। आगे बढ़े, फिर उसके बाद सेंड देम टू द जयेश, अल्पेश ड्रू अ बिल ऑन जयेश फॉर 3 मंथ फॉर ₹6 लाख। अल्पेश ने जयेश पे बिल लिखा, तो अब मुझे आपको ये एंट्री सिखानी पड़ेगी, ए ड्रू अ बिल टू जयेश। भाई ए ने जयेश पे बिल लिखा, हम कौन है? जयेश। तो ये ट्रांजेक्शन ऐसे भी कह सकते हो, जयेश एक्सेप्टेड बिल, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम कौन है अभी? जयेश है, हम एक्सेप्ट करेंगे। हमारे पास बिल आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? जाएगा। कौन लेके जाएगा? ए लेके जाएगा। एग्जैक्ट प्रीवियस सम को आप ध्यान में रखो, ए लेके जा रहा है, ए अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से कौन सी बिल्स जाएगी? बिल्स पेएबल। हम जयेश है, हमारे लिए ये बिल्स पेएबल है क्योंकि आप जयेश हो और ए ने लिखा था, अल्पेश ने लिखा था जयेश पे, यानी हम पे, हमने एक्सेप्ट किया और वापस कर दिया। कितने का बिल्स था?
6 लाख का बिजनेस, समझ रहे हो? तो अब इसकी पोस्टिंग करनी हो तो कहाँ होगी? ए अकाउंट हमने बनाया, ए अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे? सामने वाले अकाउंट का नाम, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट, और वैल्यू रुपीज 6 लाख। और दूसरा बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट है, पर हम बिल्स पेबल अकाउंट सिस्टम में फॉलो नहीं कर रहे तो वो नहीं आएगा एंट्री। चलिए आगे बढ़े, फ्री बिल्स ऑफ डिस्काउंटिंग होगी। देखो क्या होगा, द बिल्स वॉज डिस्काउंटिंग बाय अल्पेश 12%, डिस्काउंट ऑन बिल कंसिडर्ड एज इन जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस। बिल डिस्काउंटिंग होगी और उसमें जो डिफरेंस आएगा डिस्काउंटिंग का, वो जेवी का एक्सपेंसेस कहलाएगा। यानी एंट्री नंबर 2, व्हेन जे डिस्काउंटिंग, व्हेन ए डिस्काउंटिंग, कौन डिस्काउंटिंग करवाएगा? ए डिस्काउंटिंग बिल्स, जब ए बिल डिस्काउंटिंग करवाएगा, एंट्री में डिस्काउंटिंग की एंट्री करेंगे, यानी कि जेवी अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट टू ए अकाउंट, जो भी डिस्काउंट आएगा ना बच्चों, वो ए को यानी अल्पेश को क्रेडिट कर देना है। और क्योंकि डिस्काउंट है तो जेवी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। रीजन क्या है ये जेवी अकाउंट डेबिट होने का? क्योंकि बिजनेस का ये लॉस है, डिस्काउंट हुआ और ए को हमने 6 लाख क्रेडिट किए। देखो उसके खाते में 6 लाख गए थे, तो अब उसको जो पैसे हमें कम पैसे बैंक के पैसे मिले होंगे, वो डिस्काउंट उसके अकाउंट में क्या कर देना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? अब बात आएगी डिस्काउंटिंग की वैल्यू की। तो 6 लाख की बिल्स थी, उस पर 12% रेट ऑफ डिस्काउंट पूरे साल का है, पर यहाँ पे कितने महीने की बिल्स है चेक करो तो 3 मंथ ऐसा मुझे दिख रहा है, 3 मंथ की बिल्स है वहाँ पे, 3 मंथ लिखे हुए हैं। तो 3 महीने का डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करो, 3/12, तो वो वैल्यू आएगी, आई थिंक डिस्काउंट की वैल्यू 18,000 वो वैल्यू आ जाएगी। आप ये टोटल चेक कर सकते हो, राइट? तो 18,000 वैल्यू आ चुकी है, एंट्री हो चुकी है। अब इसकी पोस्टिंग करें, पोस्टिंग पहली जीवी अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखोगे? ए अकाउंट और ब्रैकेट में बी बिल्स पेबल डिस्काउंटेड, ये बिल्स पेबल डिस्काउंट की वैल्यू है। चलिए और वैल्यू कितनी आएगी? 18,000। इसकी दूसरी इफेक्ट देना भूलना नहीं है, ए अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जीवी अकाउंट 18,000, क्लियर? तो ये डिस्काउंट इसके खाते में क्रेडिट हो गए। चलिए आगे बढ़े, फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी, बहुत इजी, अब तो सारे पॉइंट बहुत इजी है। अल्पेश पेड 5,000, इंश्योरेंस 25,000, एडवर्टाइजर एक्सपेंसेस 50,000। खर्चे किसने किए? खर्चे किए पहली एंट्री, खर्चे करोगे तो जेवी अकाउंट डेबिट, पैसे किसने दिए? अल्पेश ने दिए। क्रेडिट टू गिवर टू अल्पेश अकाउंट, जेवी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, और ये लिखा ए अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस के सारे नाम लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज मार्क्स कटिंग। फ्लाइट का खर्चा है 35,000, फिर इंश्योरेंस का खर्चा है 25,000, फिर है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और वो है 50,000। इन सभी का टोटल करेंगे तो हमें कुल एक्सपेंसेस मिल जाएगा और वो आएगा आई थिंक 1,10,000। ये एक्सपेंसेस आ रहा है, आप भी टोटल चेक कर सकते हो। इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? अल्पेश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेवी अकाउंट 1,10,000। चलिए आगे बढ़े, फिर उसके बाद अब खर्चे कर रहा है नीलेश, नहीं वहां पर लिखा हुआ है ऑन वन स्मार्ट टीवी वॉज डैमेज इन ट्रांजिशन फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी पेड 20,000 टू अल्पेश। रास्ते में जब टीवी भेज रहे थे तो उसमें एक टीवी का डैमेज हो गया और इंश्योरेंस कंपनी हमें 20,000 पे कर रही है। कंसाइनमेंट अकाउंट आपको याद आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में जब ऐसा कोई लॉस हो, लॉस इन ट्रांजिट, तो आप एंट्री कुछ करते थे, हमें कितने का लॉस है कॉस्ट ढूंढनी हो, एक टीवी डैमेज हुआ है, एक टीवी की कॉस्ट कितनी है? 25,000 है, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी हमें कितने पैसे दे रही है? याद आ रहा है ऐसा आप काम करते थे कंसाइनमेंट में, 20,000 कंपनी दे रही है, तो 5,000 का क्या हो गया हमें? लॉस हो गया, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। ऐसा काम करते थे आप आगे कंसाइनमेंट में, कॉस्ट था 25,000, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 20,000 दिए, तो 5,000 का नुकसान हुआ। अब आप ये सोचोगे कि सर नुकसान का क्या होगा? There is no entry in the joint venture account, no entry movie का नाम है, और यहाँ पे हम इसके कोई पोस्टिंग नहीं करेंगे, joint venture में इसकी इफेक्ट नहीं आएगी। अरे चाहे लॉस नॉर्मल हो या एबनॉर्मल लॉस हो,
ज्वाइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप जैसा है, उसमें ऐसे लॉसेस को कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये जो लॉस आया उसकी कोई एंट्री हमें नहीं करनी है। पर अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 20,000 रुपए दिए तो वो तो बिजनेस का फायदा है ना। नुकसान हुआ सामने इंश्योरेंस के पैसे भरे थे, देखो ये जो बंदा है अल्पेश उसने इंश्योरेंस का 25,000 भरा था तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमें 20,000 दिए तो उसकी एंट्री 100% होगी। पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, पैसे किसके पास है? अल्पेश के पास। तो जो ये 20,000 इंश्योरेंस कंपनी पेड करी है ना, इंश्योरेंस कंपनी पेड 20,000। मैं यहाँ पे एंट्री लिख देता हूँ फिर से, ट्रांजेक्शन नंबर सेम है। व्हेन इंश्योरेंस कंपनी पेड, कितने पेड कर रही है? 20,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पैसे अल्पेश ने लिए। पैसे किसने लिए? अल्पेश ने। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांजेक्शन में, टू अल्पेश, ये पैसे अल्पेश को दिए हैं इंश्योरेंस कंपनी ने। तो चलिए इसकी एंट्री, अल्पेश के पास पैसे है, डेबिट टू रिसीवर, ए अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट। क्यों? क्योंकि बिजनेस में ये इनकम फायदा है। हाँ, बिजनेस का तो फायदा ही हुआ ना, 20,000 हमें पैसे मिले और बिजनेस की ये वन ऑफ द इनकम है। इस तरीके से आपको एंट्री हो जाएगी। अब इसकी पोस्टिंग करें, पोस्टिंग कहाँ होगी? ए अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू जेवी अकाउंट और वैल्यू 20,000। और दूसरी एंट्री जेवी अकाउंट क्रेडिट साइड, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए टू अल्पेश अकाउंट, बट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस कंपनी पेड, इंश्योरेंस कंपनी ने वैल्यू पेड किया। कितना वैल्यू दिया इंश्योरेंस कंपनी ने? 20,000। क्लियर हो रहा है? तो अब सब में लास्ट पैराग्राफ में हम पहुंच चुके हैं, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। जयेश होल्ड ने, उससे पहले एक ट्रांजेक्शन बाकी है, जयेश पेड शोरूम रेंट 30,000, डिलीवरी चार्ज 5,000। जयेश यानी कि हम बिजनेस के लिए अगर कोई खर्चा करें, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। खर्चे किसने किए? हमने किए, तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश। इसीलिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन कौन से खर्चे? आई थिंक दो खर्चे किए वहां पे, एक है शोरूम रेंट, ये लिखा शोरूम रेंट वैल्यू रुपीज 30,000, एंड दूसरा आएगा डिलीवरी चार्जेस, ये लिखा डिलीवरी चार्जेस 12,000। टोटल कुल मिला के 42,000 का खर्चा किया। दूसरा टू कैश है, इसका कोई एंट्री नहीं होगी। चलिए हम लास्ट पैराग्राफ। जयेश सोल्ड 37 स्मार्ट टीवी एट एवरेज प्राइस ऑफ 35। जयेश ने 37 टीवी सोल्ड कर दिए, जयेश यानी कि हमें सोल्ड किए। पैसे किसके पास है? हमारे पास है, तो हमारे पास कैश आएगा। एंट्री इस तरीके से होगी, कैश अकाउंट डेबिट, सेल किया है तो टू जेबी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू जेबी अकाउंट, जेबी अकाउंट क्रेडिट साइड कैश अकाउंट, ब्रैकेट में सोल्ड। और कितने टीवी बेचे? 37 टीवी बेचे। एक टीवी कितने प्राइस से बेचा? तो क्या अंदर लिखा हुआ है 35,000 से एक टीवी बेचा, मल्टीप्लाई करो टोटल नंबर ऑफ सेल मिलेगा हमें और वो आएगा 12,95,000। क्लियर? तो ये हो गया सेल का ट्रांजेक्शन पूरा। अब एक सीधा क्लोजिंग स्टॉक जैसा एक छोटा सा पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। रिमेनिंग स्मार्ट टीवी वेयर परचेज बाय जयेश फॉर 52,000। जयेश ने बाकी के टीवी 55,000 में ले लिए। जयेश यानी कि हम खुद, हम जयेश के रूप में अकाउंट लिख रहे हैं, हमारे पास बाकी के टीवी हम लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास टीवी यानी कि एक तरह का स्टॉक, गुड्स कह सकते हो, गुड्स या स्टॉक आएगा और जेबी में से ये स्टॉक चला जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? स्टॉक और गुड्स अकाउंट डेबिट टू जेबी अकाउंट। पोस्टिंग कर ले तो ये आएगा जेबी अकाउंट क्रेडिट साइड स्टॉक अकाउंट, क्योंकि हम स्टॉक या गुड्स अकाउंट तो मेंटेन होता नहीं है, सिलेबस में है नहीं, तो ये लिखा मैंने स्टॉक। अब उन्होंने प्राइस तो दे दिए 55,000, पर अगर मुझे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना हो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे क्वेश्चन पूछना हो कि उन्होंने बोला है रिमेनिंग टीवी, तो बाकी कितने टीवी बचे होंगे? सोचो टीवी कितने बचे होंगे वो देखना है। तो अभी ऑनलाइन लेक्चर है तो मुझे इसका आंसर देना पड़ेगा, अदरवाइज क्लास में मैं आपसे पूछता। टीवी टोटल हमने खरीदे थे, यस स्टार्टिंग में 40 टीवी खरीदे थे, मेरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 40 टीवी होना चाहिए। देखो अंदर लिखा हुआ है 40 इंटू 25,000 करोगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, तो
40 टीवी हमने खरीदे थे स्टार्टिंग में, उसमें से बेचे कितने? 37। तो अभी 3 बचे, पर 3 में से एक रास्ते में नुकसान हो गया था, लॉस इन ट्रांजिट, एक टीवी का नुकसान हो गया था, तो टोटल 38 चले गए, बचे कितने? 2 टीवी। तो ये सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट के लिए है कि लास्ट में 2 टीवी बचे होंगे, क्योंकि 40 हमने खरीदे थे, 37 सोल्ड और एक टीवी नुकसान था। तो ये हमारा सब यहाँ पर आई थिंक कंप्लीट होता है, कोई और डिफिकल्ट पॉइंट है ही नहीं, पर क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी था इसलिए मैंने करवा दिया। चलो अकाउंट क्लोज करें, सबसे पहले जेबी अकाउंट, और जेबी अकाउंट में टोटल करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड का टोटल आई थिंक फिर से एक बार ज्यादा है, और वो आ रहा है 13,70,000, ये लिखा 13,17,000 है। चलिए 13,70,000 यहाँ पे रखा, यहाँ मिसिंग आएगा, हो जाएगा 2 PNL अकाउंट, और वो दोनों पार्टनर यानी अल्पेश एंड जयेश, अल्पेश एंड जयेश के बीच में हमें बांट देना है, और वो प्रॉफिट कितना आएगा, तो आई थिंक 22 लाख प्रॉफिट आएगा, आप ये चेक कर सकते हो। और वो कौन से रेशियो में बांटना है, फर्स्ट पैराग्राफ देखो तो 3:2 के रेशियो में, तो ये लिखा करना 3:2, और बांटोगे 2 लाख को तो आई थिंक प्रॉफिट आएगा 120 and 80, इस तरीके से प्रॉफिट आएगा। चेक करें आंसर में, हम आंसर में हम चेक कर लेते कि प्रॉफिट आ रहा है, हाँ प्रॉफिट 2 लाख आ रहा है, क्लियर है। तो अब दूसरा अकाउंट अल्पेश है, तो अल्पेश के अकाउंट में प्रॉफिट बांटे उसको बाय जीवी अकाउंट और ब्रैकेट में प्रॉफिट, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 120 का प्रॉफिट हो रहा है। अब अकाउंट बंद करोगे आई थिंक कोई साइड एक मिसिंग आएगी, यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, और वो टोटल है 12,48,000, 12,48,000, तो 12,48,000 यहाँ पे रखे, यहाँ मिसिंग वैल्यू आएगा 6,28,000। अच्छा कोई भी साइड मिसिंग हो, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, अगर मुझे इसकी एंट्री सोचनी हो तो अल्पेश अकाउंट डायरेक्ट टू कैश अकाउंट, हमारे पास हम जयेश है, अल्पेश हमें कैश प्रोवाइड कर रहा है, अल्पेश को हम कैश दे रहे हैं, इसलिए अल्पेश अकाउंट डेबिट, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश आ रहा है। चेक करें ये आंसर 6,28,000, वो भी चेक कर लेते हैं, हाँ ये भी पीछे आ रहा है, देखो आप लास्ट स्लाइड में देख सकते हो 6,28,000 का आंसर मैच हो जाए तो सो करेक्ट। हाँ पर कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसमें फर्स्ट मेथड में आप कह सको कि आपका आंसर सही है या गलत, सारी जनरल एंट्री सही करोगे तो ये मैटर में भी आपको कोई मार्क्स नहीं ले सकता। तो ये हो गए आज के दिन के हमारे दोनों गुजरात यूनिवर्सिटी के आउटस्टैंडिंग सब, इसके साथ जो सब मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए वो करो, अगर ये सब में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर का काम यही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में शायद तक जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सफर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।